Welcome, sixth class students. So students, today we will do angle number 29 and 30. But first of all, we will do angle number 30. Page number 36 पे आप देख सकते हो, एंगल नंबर 30 है आपका. इसमें बोला गया है कि ए बी रेखा पर, यह है ए बी रेखा बिंदु ए पर, ठीक है, यह है बिंदु ए पर 135 डिग्री का कोण बनाएंगे. ठीक है, वैसे तो हमें एंगल नंबर 29 पहले करना चाहिए था, लेकिन हम जो है वो इस एंगल को पहले कर रहे हैं क्योंकि इसमें पूछा गया है 135 डिग्री का एंगल. ओके, और इसमें पूछा गया है 112 एंड हाफ डिग्री का. ठीक है, तो 112 एंड हाफ डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले हमें 135 डिग्री का एंगल जो है वो बनाना आना चाहिए. सो लेट स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू एंगल नंबर 30. ओके, टू मेक द एंगल ऑफ 30, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए बी लाइन. इट कैन बी 4, 5, 6 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू यू. आप कितनी भी जो है वो ले सकते हो, ए बी लाइन आपने लेनी है. ठीक है, अपनी मर्जी से. हियर इज नॉट मेंशन द लेंथ. ओके, ये ले ली है हमने ए और बी लाइन. ओके, अब आपने क्या करना है कि ए लाइन के ऊपर, ए लाइन के लेफ्ट साइड को आपने एक डॉटेड लाइन लगानी है. इसी लाइन को आप जो है वो इस साइड को बढ़ा लेना डॉटेड. ओके, ओके, ये है आपका ए पॉइंट. और आपने क्या करना है, अब यू हैव टू मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन द पॉइंट ऑफ ए. ए पॉइंट के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसके लिए आपने जो है वो अपनी मर्जी से कंपास ओपन करनी है और ऐसे आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. ओके, जो आपकी ए बी लाइन को पॉइंट ए पी के ऊपर कट करिए. आ गया आपका पॉइंट पी और ये आ गया आपका पॉइंट के. ओके, तो हम 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट कट 60 डिग्री. ओके, एंड दिस इज द सेकंड कट 120 डिग्री. सो वी आर बाइसेक्टिंग 120 एंड 60 डिग्री, देन वी विल गेट एंगल ऑफ 90 डिग्री. So this is the angle of 90 degree. Okay. तो ये आपका जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. ओके, तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट एच. ओके, ये आ गया आपका पॉइंट एच, ये वाला पॉइंट. ओके, ये है आपका एच पॉइंट. अब आपने क्या करना है, H पॉइंट जो है वो 90 डिग्री का है. ठीक है, K पॉइंट आपका 180 डिग्री का है, तो आपने H और K पॉइंट का बाइसेक्ट करना है. तो कंपास क्या करना है, आपने उतनी ही ओपन करके रखनी है जितनी पहले ओपन करके रखी थी. ठीक है, H पॉइंट के ऊपर रखो और ऐसे आपने एक आर्क लगानी है. अब सेम उतनी ही कंपास लेके आपने K पॉइंट के ऊपर रखनी है और दूसरी आर्क लगानी है. ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो है वो कन्फ्यूज होते हैं. वो क्या करते हैं, ये कंपास जो है वो यहाँ पे नहीं रखते हैं, वो कहाँ पे रखते हैं, इस पॉइंट के ऊपर, जो कि गलत हो जाएगा. अगर आप 120 डिग्री का एंगल के ऊपर कंपास रखेंगे और 180 डिग्री के ऊपर कंपास रखेंगे तो वो 150 डिग्री का एंगल बन जाएगा. ओके, सो दिस इज योर आंसर लाइन. ठीक है, ये जो यहाँ पे कट है इसको हम नाम दे देते हैं एन पॉइंट. ये वाला पॉइंट एन पॉइंट है, तो इसको हम जो है वो यहाँ पे सी नाम दे रहे हैं. ठीक है, तो ये आपकी ए बी और सी, ये आ जाएगा 135 डिग्री का एंगल. यहाँ पे सिंपल आप याद रखना कि आपने जो 135 डिग्री का एंगल बनाना है तो उसके लिए आपने पहले जो है 90 डिग्री का एंगल बनाना है. ठीक है, और उसके बाद के पॉइंट जो होगा आपका 180 डिग्री, इन दोनों का आपने हाफ निकालना है, तो आ जाएगा 135 डिग्री. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग एंगल नंबर 29. ठीक है,
इसमें बोला गया है कि ए बी रेखा पर, यह है आपकी ए बी लाइन, इस पर बिंदु ए पर, यह है पॉइंट ए, ए से जो है वो प्रकार द्वारा 112.5 डिग्री का कोण बनाओ। तो जितने भी आपके एंगल बन रहे हैं ये, ठीक है, ये आपने कंपस की हेल्प से ही बनाने हैं। तो इसमें बोला गया है कि आपने 112.5 डिग्री का एंगल बनाना है। सो टू मेक द एंगल ऑफ 112.5 डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 135 डिग्री। ओके, सो ड्रॉ ए बी लाइन। ए बी लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है, अपनी मर्जी से ले सकते हो इसको, और वैसे ही आपने आगे की तरफ को इसको बढ़ा लेना है, ठीक है। ये है आपका ए पॉइंट, ये आ गया आपकी ए और ये आ गया बी, ठीक है। अब आपने आप 90 डिग्री का एंगल बनाना है पहले। ओके, तो अपने अपनी मर्जी से कंपास ओपन करनी है, ए पॉइंट के ऊपर रखनी है, ठीक है, और ऐसे आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये बन गया आपका सेमी सर्कल, जो ए बी लाइन को पी पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, और इस साइड को हम लिख लेते हैं के पॉइंट। ओके, सो दिस द फर्स्ट कट 60 डिग्री। ओके, दिस इज द सेकेंड कट 120 डिग्री। नाउ वी आर बाइसेक्टिंग 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। ओके, ये आप देख सकते हो, सो दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपने पहले तो आप जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, ठीक है, और उसके बाद आप 135 डिग्री का एंगल बनाओगे, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो निकालोगे, इन दोनों का बाइसेक्ट करोगे, मिड पॉइंट निकालोगे, तो आ जाएगा आपका 112.5 डिग्री। ओके, तो ये आ गया आपका एच पॉइंट 90 डिग्री वाला, ठीक है। अब आपने जो है एच और के ऊपर रख के उतनी ही कंपास ओपन करके, ठीक है, एच पॉइंट के ऊपर रख के एक आर्क लगानी है, और सेम उतनी ही कंपास ओपन करके आपने के पॉइंट के ऊपर रख के ये दूसरी आर्क लगानी है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका एन पॉइंट, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वाले एंगल में किया था, एंगल नंबर 30 में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 135 डिग्री। ओके, तो ये लाइन भी आपने जो है वो डॉटेड ही लेनी है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 90 डिग्री, और ये आ जाएगा आपका 135 डिग्री, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो पॉइंट आया ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको आप नाम दे दो एस पॉइंट। ओके, ये हमने नाम दे दिया इसको एस पॉइंट। ये एस और एच का आपने बाइसेक्ट करना है, तो वो कैसे करना है, ठीक है, उतनी कंपास ओपन करके रखो, ठीक है, इसके बराबर जितनी पहले ओपन करके रखी थी, एच पॉइंट के ऊपर रखो, ये आर्क लगा दो, एस पॉइंट के ऊपर रखो और ये दूसरी आर्क लगा दो। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट ई, सो दिस इज द पॉइंट ई, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो, दिस इज द पॉइंट ई। नाउ जॉइन द पॉइंट ई एंड ए, दिस इज योर आंसर लाइन। ओके, ये आ जाएगा आपका, इसको नाम दे देते हैं हम सी, और ये है आपका एंगल 112.5 डिग्री। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इसको देख भी सकते हो, ये देखो, ये है आपका एंगल, ठीक है, 112.5 डिग्री।